दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। खुशखबरी है भक्तों के लिए। जी हां, सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों ये बाद में होगा बात, है ना, लेकिन बात कर लेते खबर पर। खबर पर आएंगे, लिटा करके आएंगे, बिठा करके आएंगे और ठोक करके खबर को सीधा तमाशा बना करके उन लोगों के मुंह पे मारेंगे जिन्होंने इस देश को बर्बादी के कगार पर डालने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुफ्त राशन के बारे में, जिसकी मतलब जिसके बारे में जो चर्चा है, चहुं ओर है, चहुं दिशा में जिसकी चर्चा है, उसके बारे में बात करनी जरूरी है। और इसको रिलेट करेंगे श्रीलंका की उस नीति के साथ, जिस नीति के चक्कर में श्रीलंका में बर्बादी हो गई, श्रीलंका की सरकार का तख्ता पलट गया। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया जिसको एक भी सीट नहीं मिली थी, और सिंगली समुदाय को भड़का करके जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना उसको सिंगली लोगों ने खुद ही निपटा दिया। वहां भी फ्री राशन बांटा गया था। जी हाँ, इतना फ्री राशन बांटा कि लोग निकम्मे हो गए। निकम्मे होने के बाद रोजगार तो थे नहीं, कुछ सवाल था ही नहीं। सिंगली, जय राष्ट्र, जय मतलब ये सारे नारे चल रहे थे। अब हमारा देश भी उसी डगर पर चल निकला है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी फ्री राशन की, और फ्री राशन के चक्कर में इतना गन चक्कर मामला हुआ है कि सरकार को मुनादी करानी पड़ रही है, गांव-गांव मुनादी करानी पड़ रही है, जिसके बारे में कोई गोदी मीडिया, भक्त मीडिया, भूत मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। सरकारी कर्मचारी शस्त्र लाइसेंस, 5 के लाइसेंस, 5 केवी जनरेटर, एसी, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार धारक की होगी। क्योंकि सारे भूत तो लगे हुए हैं ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल, राम मंदिर और सब जगह झांकते फिर रहे हैं। कब्रों के नीचे कोई मंदिर तो नहीं, ये बस उनकी अब ड्यूटी रह गई है। देश के भले के बारे में तो किसी की कोई ड्यूटी है नहीं, लेकिन हमारी ड्यूटी है तो हम बता देते हैं दोस्तों आपको कि यूपी में जो है मुनादी कराई जा रही है कि भाई जिसने गलत राशन कार्ड बना करके, जिसकी 4 व्हीलर होगा, 2 व्हीलर होगा, मकान होगा, उससे बाजार के रेट में वसूली की जाएगी। तो ये वीडियो क्या है मामला, पहले ये देख लीजिए। ये मामला आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब इस मामले को देखने के बाद थोड़ा सा अंतर मनन कीजिए। जिन लोगों ने फ्री का टकारा, अब जब उनका दाना पानी बंद कर दोगे भैया तो वो कहाँ जाएंगे? वो या तो योगी जी के खिलाफ बोलेंगे या मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे। वैसे योगी जी बहुत अच्छे हैं, राशन भी उन्हीं लोगों को देना चाहते हैं जो उसके अधिकारी हैं। उस चक्कर में जो था भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, अब उनका राशन पानी बंद कर देंगे योगी जी। गरीबों को तो मिलता रहेगा, लेकिन योगी जी को पता है कि सबसे ज्यादा चोर किस पार्टी में, और जिन चोरों ने झूठे राशन बनवाए योगी जी लेंगे सख्त एक्शन, चलेगा बुलडोजर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अब वैसे चल निकला है बुलडोजर, एक आदमी माफी मांग रहा था, अरे मैंने बीजेपी को वोट दिया तो क्या दिया, सरकार का उल्लंघन कर रहे हो। योगी जो है आने वाले टाइम में मोदी के सबसे बड़े कंटेंटर बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी उत्तर प्रदेश के अंदर शासन कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बनेगा तो इंसान बनेगा। सबसे पहले माइक का आदेश आया तो गोरखपुर मठ से माइक उड़वा दिया उन्होंने। यह होती है एक मुख्यमंत्री की पहचान, ऐसे थोड़ी होता है। बोल्ड डिसीजन लेने वाला बोल्ड मुख्यमंत्री योगी। योगी जी थम्स अप, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। जी हां, एक गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति आपके साथ है। आपने जो एक्शन लिया है वो वाकई कमाल लिया है, और योगी जी को इसके लिए धन्यवाद कहा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, योगी जी के लिए अगर ये बात पसंद आती है तो भाई एक लाइक एक कमेंट बनता है, और पसंद नहीं आती तो भी एक लाइक और एक कमेंट बनता है। और राशन के बारे में हराम का खाने वाले लोगों के खिलाफ भी एक कमेंट एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों। तो खामोश, यह है योगी की सरकार। नमस्कार, जय हिंद, मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूंगा आपके बीच आजाद हिंद आवाज की ताजा तरीन और नए कलेवर के साथ, उन खबरों को लेकर के जिन खबरों को आप देखना चाहते हैं, जिन खबरों को मिस कर रहे थे पिछले 2 साल से, जो छूट गई थी। छोटी खबरें, छोटा पैक, बड़ा धमाका। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।